अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिहेवियरिज्म के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बिहेवियरिज्म स्टार्ट हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग को। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको पेवलोवियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ये थ्योरी एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पेवलोव ने दी थी, जिस पर उनको 1904 में नोबल प्राइज़ भी मिला। इवान पेवलोव रशियन फिजियोलॉजिस्ट या एनिमल बायोलॉजिस्ट थे, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, और वो काम कर रहे थे एनिमल डाइजेशन पर जिस थ्योरी एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आया था कि जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। और इसी एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए वॉटसन ने बिहेवियरिज्म को स्टार्ट किया। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, तो क्लासिकल का मतलब होता है पुराना, और कंडीशनिंग यानी कि दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से लर्निंग होती है या जो हमें लर्निंग में हेल्प करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये है कि दो अनरिलेटेड चीज़ें भी आपस में जुड़ सकती हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि वो दोनों चीज़ें साथ साथ हुई हों और उनमें टाइम का गैप बहुत कम हो। तो हमारा ब्रेन उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ लेता है, हमें लगता है कि वो दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ से इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और उसके साथ ही कोई इवेंट भी ऐसा हुआ, या मौसम बहुत अच्छा है, या कुछ भी ऐसा कोई इवेंट हुआ है, तो अगर काफ़ी टाइम बाद जाके हम वो सॉन्ग दोबारा सुनते हैं तो वो इवेंट भी हमें दोबारा साथ में रिमाइंड हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम, क्योंकि वो दोनों चीज़ें साथ साथ हुई होती हैं और उसमें टाइम का गैप बहुत कम होता है, इस वजह से हमारा ब्रेन उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देता है और हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अगर हम पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो जैसे हमने कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली एसोसिएशन के थ्रू लर्निंग होती है, दो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में एसोसिएट करके लर्निंग होती है। पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में उसने वो एनिमल डाइजेशन सिस्टम पर काम कर रहा था, और उसमें डॉग पर एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉग को जब भी खाना दिया जाता था तो साथ में एक बेल भी बजती थी, तो उस डॉग को ये लगने लग गया था कि बेल के बजने का मतलब ये है कि खाना आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे कि बेल का बजना और खाना आना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी और उसमें टाइम का गैप बहुत कम था, इसलिए उसके ब्रेन ने उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दिया। ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं, इसके प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पांस, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस। अब इसमें नाम से ही जाहिर है कि अनकंडीशनल यानी कि यहाँ पर कंडीशनिंग नहीं हुई भी, और कंडीशन यानी कि कंडीशनिंग हो चुकी है। अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पांस बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ें हैं, यहाँ पर कंडीशनिंग नहीं हुई, यानी कि बिल्कुल ऑटोमेटिक रिस्पांस जो जब ट्रिगर होता है, बिल्कुल ही नेचुरल एक रिस्पांस जब ट्रिगर होता है। तो जैसे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो क्या था, फूड, और अनकंडीशन रिस्पांस क्या था, वो था सेलिवेशन। ठीक है, जब भी डॉग को फूड प्रेजेंट किया जाता या उसको जब भी फूड की स्मेल आती तो उसको सेलिवेशन होती, यानी कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। अब आ जाता है कंडीशन रिस्पांस या कंडीशन स्टिमुलस। अब ये वो चीज़ है जो कि पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था, यानी कि यहाँ पर कंडीशनिंग हो चुकी है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट में कंडीशन स्टिमुलस क्या था, यानी कि बेल का बजना, जैसे हमने पहले ही बात की कि बेल बजती थी तो फूड प्रेजेंट होता था, और ये दोनों चीज़ें इतने साथ साथ हो रही थी, उसमें टाइम का ड्यूरेशन इतना कम था कि डॉग को ये लगने लग गया और उसके ब्रेन ने उन चीज़ों को आपस में जोड़ दिया कि बेल का बजना ही खाने का आना है। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कंडीशन स्टिमुलस क्या था, बेल का बजना, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सेलिवेशन। यानी कि एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी फूड प्रेजेंट किया जा रहा है या फूड की स्मेल आ रही है तो सेलिवेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ कि जब बेल की आवाज़ आती थी तो भी डॉग को सेलिवेशन हो रही थी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही एक न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल। ठीक है, यानी कि बेल का बजना और खाना आना बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल का बजना, लेकिन क्योंकि उसको कंडीशनिंग की गई, वो दोनों इवेंट इतने साथ साथ किए गए कि जब भी बेल बजती थी तो खाना आता था, कि जो ब्रेन, जो डॉग का ब्रेन है, उसने उन दोनों चीज़ों को आपस में इतना जोड़ दिया कि उसको लगा कि जब भी फिर उसको बेल भी बजती थी तो उसको सेलिवेशन होती थी। ठीक है, ये था पेवलोव का एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये वाला रिस्पांस जो था, जो कंडीशन रिस्पांस था, ये एक्वायर्ड रिस्पांस था। ठीक है, एक उसमें और चीज़ आ जाती है, एक्सटिंक्शन। जब जैसे कि एक चीज़ लर्न करवाई गई है कंडीशनिंग के थ्रू, इसी तरीके से अनलर्न भी की जा सकती है। जैसे अगर के बार बार
बेल बजती जाए लेकिन फूड प्रेजेंट ना हो, ठीक है, बार बार बेल बजती जा रही है फूड प्रेजेंट ना हो, तो वो रिस्पॉन्स अनलर्न भी हो जाता है, यानी कि उसको ये भी लगने लग जाता है कि फूड के बेल का बजना ज़रूरी नहीं है कि फूड ही आ रहा है, ठीक है। तो जो अगर लर्निंग में, जैसे मैंने कहा कि हेल्प करते हैं हम एसोसिएशन के थ्रू लर्निंग करते हैं, तो इसी तरीके से एक लर्न रिस्पॉन्स को अनलर्न भी किया जा सकता है कंडीशनिंग के थ्रू। आखिर में हम बात कर लेते हैं पावलोवियन कंडीशनिंग के स्टेजेस पर। इसको हम समराइज़ करके इस तरीके से देखते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था, कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था और अनकंडीशन्ड रिस्पांस था, यानी कि दोनों बहुत नेचुरल चीज़ें थी। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड, और अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स है वो था सेलिवेशन, यानी कि फूड का आना या फूड की स्मेल से सेलिवेशन होना दोनों ही बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि जब भी खाना आ रहा है तो साथ में बेल बजती है तो खाना आता है, तो क्या होता है कि दो ब्रेन उन दोनों चीज़ों को जोड़ देता है आपस में कि बेल के बजने का मतलब ही खाने का आना है। हालांकि बेल जो है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दोनों इवेंट इतने साथ साथ हो रहे हैं कि जब भी बेल बजती है तो खाना आता है, तो ब्रेन उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देता है कि बेल के बजने का मतलब ही ये है कि खाना आ रहा है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर कंडीशनिंग हो चुकी है, ब्रेन उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ चुका है, एसोसिएशन हो चुकी है, यानी जब भी बेल बजेगी तो वो जो नेचुरल जो पहले जो वो नेचुरल रिस्पांस था वो सेलिवेशन था, अब वो कंडीशनिंग के बाद एक न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद भी वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि अब क्या है, अब कंडीशन रिस्पॉन्स है बेल और कंडीशन स्टिमुलस है बेल और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, सेलिवेशन, यानी कि आपस में ये दोनों बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज़ें हैं, बेल का बजना और खाने का आना, लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी साथ साथ हो रही हैं कि ब्रेन उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देता है कि बेल के बजने का मतलब ये है कि खाने का आना। तो इस वजह से वो कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो गया, बेल, और जो कंडीशन जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो गया, सेलिवेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पर डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।